लेकिन बाद में काम है टिकटॉक बिल्कुल चेंज करना कि उनकी एटीट्यूड शायरी है तो देखते हैं विश्वा की शायरी को हमने बाकी चीजों को साइड पे करते हुए विश्वा शायरी की वजह से जैसा कि हम जाते हैं आपका प्यार बहुत ज्यादा हो गया देखते हैं मतलब कि कहा जाता है कि रिश्वा शायरी की मतलब वजह से बहुत शायरा डबिंग करने की वजह से अपनी शायरी की शायरा डबिंग तो मेरी बात से जो ये जनता का बहुत सारा प्यार है अपने पास लेकिन कुछ बोलना चाहूंगा भाई मुझे वेट करो तुम्हारी नहीं गलती अगर मैं भी तेरे जगह होता मेरी भी तो जलती हमारे दिल में भी झांको अगर मिले फुर्सत हम अपने चेहरों से इतने नजर नहीं आते कल के जिन लोगों को मैं पसंद नहीं और जो लोग मुझे पसंद नहीं जिन लोगों को मैं पसंद नहीं और जो लोग मुझे पसंद नहीं उन्हें पसंद करने वाले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं मुझे तो अब मत ही सुना दुखड़े अपने मुझे तो मत ही सुना तू दुखड़े अपने भाड़ में जाए तू और तेरा नया शहर ये थी जोश शायरी की विश्वा की नहीं किसी और का मुझे मांगता कोई और पर मैं करीब हूँ किसी और का और मुझे जानता कोई और है मेरे साथ जिंदगी जियोगी तो बताओ मुझे याद करके शर्माओगी तो बताओ शराब पीने वाले बहुत है मेरे पास तुम चाय पियोगी तो बताओ चाय वाली है कुत्ते को घी और इंसान को सच्ची मोहब्बत कभी हजम नहीं होती चुप रहना ताकत है मेरी कमजोरी नहीं पर अकेला रहना आदत है मेरी मजबूरी नहीं शोक और शाडा पंक्ति वाली बातें हमें नहीं जमती और फर्क सिर्फ इतना है कि जिनकी सबसे बनती है हमारी उन्हीं से नहीं बनती ये तो बात है इससे हम छे कसू बना गया मगर अपनी हद में रहो तो अच्छा होगा हमें नहीं कह रहे हम रिएक्शन कर रहे हैं तो देख मेरा जिक्र तक ना करे इतनी तेरा खफा हो वापस आ मेरा प्यार लुटा चल अब दफाओ बहुत सारा डायरेक्ट हां वो डायरेक्ट है ये एटीट्यूड शायद है अगर ऐसा है तो कोई आके मेरा गला दबा अरे वाह अरे वाह पराये का अंतर रिश्तों में नहीं किया जाता काले गोरे का भेद फरिश्तों में नहीं किया जाता और जो प्यार को थोड़ा थोड़ा करते हैं वो सुन लो जो प्यार को थोड़ा थोड़ा करते हैं वो सुन लो ये इश्क है किश्तों में नहीं किया जाता वो हो किश्ते माय गॉड तुम क्यों चिड़ी बैठे इनको चुमने का वो बोले वाले आप जिस तरीके से उनसे बात करते हैं क्या बच्चे अपने बाप से ऐसे बात करते हैं ये डायलॉग मेरा था मैं बोले सर बाप को ऐसे ना थे
कैसे लाते हैं, ऐसे लाते हैं, ला के दिखाओ उसे सात फेरों में लेके आ। सात फेरों से बता। अच्छा, एक दो तीन चार, मुझसे जलोगे कितनी बार। म्यूजिक। देखें, हमें ये शायरी सुन के बहुत ही आनंद आया है। आनंद को क्या कहते हैं हिंदी में? हिंदी आनंद को उर्दू में फजूल बातें कर रहे हैं। आनंद होना, आई थिंक यार कई कर भी देंगे शायद, हम गलत बोल रहे हैं, बता दो मैं। बट ये है कि यहाँ पे जाके छुई है रिश्वत की शायरी, यहीं पे छुई है ना बस। हाथ किस तरफ होता है? लेफ्ट। इनको आज तक अब पता लगा इनका हाथ यहाँ पे। वो अक्सर वो कभी कभी दिल यहाँ पे तो रखता है, महसूस इधर का रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, हम शायरी पे आ जाते हैं वापस। हम देखा जाए तो अब शायरी बहुत अच्छी थी, बहुत ठीक चुड़मुड़ चुड़मुड़ कर रहे थे, कठिन सूरत हाल थी, बिल्कुल ऐसा लगा कि जो फेस एक्सप्रेशन है उस शायरी के साथ बिल्कुल मैच, डायलॉग के साथ एक्सप्रेशन बहुत बेटर। देखा जाए तो ये कह रहे हैं नाजुक नहीं थी, कठिन थी, क्योंकि हम एटीट्यूड में आ गए हैं। उसके बाद मैंने इसको बाहर भी निकाल दिया था, लेकिन हमने वापस आए हैं क्योंकि मैं तब गया था, ये हमारे पास नहीं है, देखा रिसेंटली वीडियो में ऋषा बहुत क्यूट वीडियोस बनाई थी, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह के सच एटीट्यूड को करेगी। और देखा जाए तो आजकल ऋषा की शायरी टॉप पे है शायरी, इसलिए और ये वो भी हमने देख भी लिया और बिल्कुल अच्छा है, मतलब कि शायद उसको रियल में जो रियल में शायर पढ़ते हैं ना उसके अलग एक्सप्रेशन होते हैं। आप जब उस पर डब करते हो इस तरीके का एक्सप्रेशन है, बहुत बड़ी बात होती है। लिखती होगी अक्सर कभी बैठ के, जाहिर बात है क्योंकि इतनी दफा कर करके करके आपको याद कर करके कुछ ना कुछ तो आप शायर आमद हो ही जाती है। महफिल में बैठते बिल्कुल ऐसे ही आपको कोई ऐसे ऐसे शेर भी आते हैं, कुछ बुरे किस्म के शेर भी आ जाते हैं, और कुछ आप गानों का बेटा करी करते हैं, जो करने में छह चेटर नंबर कौन है। लाइक और शेयर करो, इंस्टा पे फॉलो।